अभी अभी ताजा झींगा है जो कि अभी नदी से आया है, सरजू। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी हैं, आज बरसात हो रहा है, अपने कामों में व्यस्त। तो आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रहा है और दिखाऊंगी आप सभी को, दिखाना चाहती हूँ। और हमारे घर आज कुछ नया बन रहा है, तो जो कि हमारे देख सकते हैं हस्बैंड जी इधर क्या कर रहे हैं। करीब थोड़ा देखिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। झींगा तो ये अभी अभी ताज़ा झींगा है जो कि अभी नदी से आया है, सरजू नदी का ये है झींगा। तो जिसको जिसको पसंद है आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा, और अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इधर है जिंदा, और इधर है जिंदा जो कि हाड़ी में बोल रहे हैं, देखिए जिंदा दिखाई दे रहा है। और करीब कैमरामैन देखिए जिंदा, हाँ हाँ जिंदा है। तो दोस्तों जिंदा ही है क्योंकि आप लोग को झूठ साबित करने के लिए जिंदा है दोस्तों। तो और दिखा देती हूँ बारिश में क्या क्या हो रहा है हमारे घर आज, और जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक हो चुका है और सब लोग मतलब माटी फेंक रहे हैं। दोस्तों इधर हमारे अंगना में आज माटी फेंका रहा है, थोड़ा मैं कुछ इस तरह से दिखाना चाहती हूँ। तो देख सकते हैं इधर माटी फेंका रहा है और इधर सब लोग मतलब मिल के फेंक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मेरी बकरियाँ रहती थी जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा और बाकी है फेंकाने के लिए और इतना फेंका गया है। तो इसके बराबर हम लोग कर रहे हैं क्योंकि छह टाली माटी गिरवाए थे और माटी 350 रुपये टाली मिला है हम लोग को। आप लोग की तरफ से कौन सा रेट है कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हमको पता चल जाएगा सस्ता मिला है कि महंगा। तो देख सकते हैं यहाँ से लेके और यहीं पर ज़्यादा पास ही फेंकना है, तो पटा गया थोड़ा और है क्योंकि इधर पानी भर जाएगा तो बाद में मतलब बरसात में दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग फेंकवा रहे हैं। तो पट गया थोड़ा और है, और इसीलिए दोस्तों इधर देख सकते हैं बारिश हो रहा है जो कि हमारा हाथ भी भीज रहा है, आप लोग इधर देख लीजिए, और यानी भी चू रहा है। तो समझ सकते हैं। और दोस्तों हमारे घर की हालत थोड़ा देख लीजिए, इधर हमारा घर चू रहा है, इधर उधर चू रहा है पूरा तमाम। और आगे भी दिखा देती हूँ क्योंकि मिस्त्री जो मिस्त्री बनाया है कटरैन, जब भी मैं एक बरसात होता है तो मुझे गाली देने का मन करता है दोस्तों, सही बता दूँ। देख सकते हैं इस तरह से हमारा घर की स्थिति है, देख लीजिए आप लोग इधर टूट चूरा है। तो ऐसी बताइए हम लोग कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे, और इधर पूरा तख्ता पे ही पानी चूरा है। तो आप लोग भी अगर जो घर बनवा रहे हैं तो मिस्त्री को एक बार जांच लीजिए, नहीं तो घर आपका एक बार खराब हो गया तो दोबारा नहीं बनने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मिस्त्री को बुलाइए तो पहले एक बार जाँच लीजिए कैसे बनाना है क्या करना, नहीं तो कोई कोई मिस्त्री अपना पैसे लेने के चक्कर में भाग जाते हैं, निक बेकार काम करके भोगेंगे तो हम लोग। तो इसीलिए रात को जब बारिश आती है तो हम लोग सोने के लिए नहीं हो पाता है, घर में भी चूता है। घर में थोड़े दिखा दूंगी आप लोग को, देख लीजिए शायद देख भी रहे होंगे। तो बताइए बाप रे, ऑटो भी जाता हो तो दोस्तों देख सकते हैं, बताइए इस तरह से किसी को घर बनाना चाहिए। देखिए पूरा पानी पानी हो गया है और दोनों रूम में, तो इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा लगता है, क्या बताऊं। किसी से किसी का ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि गरीब आदमी एक तो बेचारा कैसे कैसे बनवाया है किस हालात से, ये एक रूम दो रूम, और इधर भी थोड़ा देख लीजिए घर चू रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों हमारे घर की स्थिति क्या है। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़रूर। तो दोस्तों हमारे बच्चे आज कुछ ज़्यादा ही भेसा वसा बना लिए हैं और माटी ढोढ़ो के, तो जिसको जिसको खाना होगा झींगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और माटी इधर फेंकाएगी और लहसुन मर्चा प्याज कट होके और पता नहीं कैसे बनता है हमको पता नहीं है, कमेंट करके बता दीजिएगा और इसको जरूर देख लीजिएगा। हाँ तो कमेंट करके बता दीजिएगा जिसको खाना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इधर बारिश हो रहा है तो इस पर चूरा है पानी। तो ठीक है यहीं पर करते हैं ब्लॉग समाप्त, आप सभी को बाय बाय टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।